तो दोस्तों ये है वन प्लस का बुलेट जी वायरलेस हेडफोन्स, जिसे मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से कुछ 2,000 रुपये में, 1,999 में। तो आज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है, कुछ है इसके अंदर, और इसका रिव्यू भी करेंगे हम आज। तो फटाफट से पहले देख लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर क्या क्या मेंशन है। इधर लिखा है ये बुलेट वायरलेस जी, इधर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, रैप चार्जिंग, लॉन्ग लाइफ बैटरी, मैग्नेटिक कंट्रोल्स, वाटर प्रूफ, जी हाँ ये IP55 सर्टिफाइड है, और क्विक स्विच जो है इसके अंदर दिया है, जो आप दो पेयर कर सकते हैं एक साथ, दो डिवाइसेस को, और दोनों को पेयर करके आप रख सकते हो और यूज कर सकते हो उसको क्विक स्विच के साथ, मतलब एक बटन प्रेस करते ही अब वो स्विच हो जाएगा। बॉक्स को फटाफट से, इस बॉक्स को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसा ओपन करने का ये दिया है। ओके, तो ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ये रहा हमारा हेडफोन शायद। ओके, हेडफोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओके, ये कुछ पेपर वर्क्स हैं और ये आपका ये छोटा सा जो है वो चार्जिंग केबल है, रेड एंड वाइट, इतना बड़ा सा ही है ये। इसको भी रखते हैं साइड में और इन सबको रखते हैं साइड में। फटाफट से अब देखते हैं जो हमारा वायरलेस जी है। तो बहुत ही लाइट वेट सा है और ये मैग्नेटिक कंट्रोल जो कि, और बहुत ही सही ये जो साइज है इसकी, और ये बहुत ही ड्यूरेबल लग रहा है मुझे और बहुत इजीली फोल्डेबल भी है। दैट्स लुकिंग रियली नाइस। ये जो है ये प्लास्टिक है इसके ऊपर, बट हाँ ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। और ये जो इसके ऊपर रेड कलर का, रेडिश कलर का जो व्यू आ रहा है, रेडिश कलर का जो कॉम्प्लेक्शन आ रहा है इसके ऊपर, वो बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है इसके इसे। और ये फिटिंग इसकी बहुत ही सही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मुझे। फिट पूरी तरह से है, बाहर का नॉइस भी थोड़ा बहुत कैंसिल कर दिया है इसने जो भी है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो नहीं है इसमें, बट हाँ पैसिवली इसने बहुत अच्छा खासा बाहर का नॉइस ब्लॉक किया है। अभी मैंने म्यूजिक प्ले नहीं किया है, तो अब मैं इसे अपने फोन से पेयर करता हूँ मोबाइल से और इसके म्यूजिक को लिसन करता हूँ और आपको देखता है एक देता हूँ फीडबैक जैसा। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटे के अंदर ये 20 घंटे का म्यूजिक प्ले दे देता है, और इसमें जो वेब चार्जिंग है जिसके थ्रू आप 10 मिनट चार्ज करके 10 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक ले सकते हो, ये इसकी ज़बरदस्त खासियत है। इसके साथ साथ इसमें जो है एक ये क्विक स्विच बटन दिया हुआ है। ये क्विक स्विच जो बटन है, अगर आप चाहें तो दो डिवाइसेस को पेयर करके रख सकते हैं और एक बटन दबाते ही ये जो है दूसरे डिवाइस पे स्विच हो जाएगा। तो ये इसकी बहुत ज़बरदस्त जो है, इसका जो यूनिकनेस है वो है इसकी बैटरी लाइफ और ये इसके फीचर्स। इसके साथ इसमें सी पोर्ट दिया है चार्जिंग के लिए, और जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल सारे जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं उनमें सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और वो बहुत ही फास्ट चार्ज करता है और फास्ट चार्जर को सपोर्ट भी करता है। तो इसको मैं अपने फ़ोन से पेयर करता हूँ और देखता हूँ कि कैसा है इसका म्यूज़िक, फिर देता हूँ आपको एक ज़बरदस्त सा रिव्यू। दोस्तों बात करूँ इसके साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी डिसेंट है और जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, बट हाँ इसका जो बेस है वो मुझे बिलो एवरेज लगा, बिल्कुल भी पंची नहीं है, ठीक ठाक सा है। बट अगर आपको बेस, अगर बेस फील करना है तो आपको हेडफोन्स को अपने कान के अंदर बहुत अंदर कैनल तक पुश करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, इसमें क्विक स्विच बटन और ये जो सी पोर्ट है और इसका बैटरी बैकअप है, ये इसका प्लस पॉइंट है। बट साथ ही साथ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप एक बेस लवर हैं तो ये हेडफोन आपके लिए नहीं है। इसकी जो माइक प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है, इसका जो फील है, इसका जो ड्यूरेबिलिटी है
वो काफ़ी अच्छी है, रोबस्ट सा दिखता है, हालांकि ये प्लास्टिक मटेरियल है, फिर भी ये वन प्लस जो है इसकी जो क्वालिटी है वो एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हेडफोन जिसकी बैटरी जो है वो बहुत लॉन्ग लास्ट करे, 20 घंटे, जिसमें वेब चार्जिंग हो, क्विक स्विच हो और वो डिसेंट सा म्यूज़िक भी प्रोड्यूस करता हो, तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। और इसके बाद मैं एक और रिव्यू करने वाला हूँ ओप्पो एको M31 का, जो कि बहुत ही डिसेंट हेडफोन है, बहुत ही अच्छा हेडफोन है, सेम प्राइस रेंज में आता है। तो इसके बाद वो वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।